अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, रिवर चेहलम है और साथ ही ये क्वीन विक्टोरिया ब्रिज है। अभी हम ये क्रॉस करके आगे जाएंगे। आज हमारा आड़े बशारत का प्लान है। आज की जो हमारा ब्लॉग होगा वो आड़े बशारत का होगा और मौसम भी बहुत प्यारा है, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। अभी इस वक्त हम धड़ियाला जालिब रोड पर हैं, आड़े की तरफ जा रहे हैं। अभी ये हरनपुर गांव आ गया, वो भी आपको दिखाते हैं, छोटा सा गांव है। जी हम लोग धड़ियाला जालिब में पहुंच गए हैं। ये भी छोटा सा कस्बा टाइप है, गांव है, दुकानें हैं इधर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है जी धड़ियाला जालिब, ये धड़ियाला जालिब है। धड़ियाला जालिब से हम लोग निकल आए हैं आगे, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। इधर से कुछ खाने पीने के लिए लिया, थोड़ा सा भूख लगी हुई थी, तो अब आगे की तरफ हमारी मंजिल है, तो आपको आगे का भी व्यू करवाएंगे। ये जी वेलकम टू गरीब बाग लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग गरीब बाग फैक्ट्री रोड पे मौजूद हैं और धड़ियाला जालिब से ये जूस लिया था, क्योंकि चाय के हम शौकीन नहीं हैं, तो मैंने कहा मौसम बहुत प्यारा है, जूस पीते हैं। हल्का हल्का ठंडा और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग गरीबवाल फैक्ट्री रोड पे हैं और ये जो रोड है सीधा गरीबवाल फैक्ट्री की तरफ जा रहा है और आगे जाके रोड मुड़ जाएगा और आड़ा पिछाड़ा की तरफ जाएगा। आगे से भी आपको ये भी छोटा सा एक गांव सा है। इधर से ये जो सीधी रोड है ये गरीब बाग फैक्ट्री की तरफ जा रही है और इधर से हम ये टर्न ले लेंगे, ये आड़ा बशारत की तरफ ये रास्ता जा रहा है। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, अल्लाह पाक ने चलाई हुई है और मौसम को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। बस अभी पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको वो भी जो है नज़ारा करवाएंगे। जी तो अभी हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं आड़ा बशारत के। बेसिकली आड़ा बशारत जो ये नाम है, आड़ा और बशारत दो भाई थे, उनके नाम से ये इलाके बने हैं। एक का नाम आड़ा था और दूसरे का नाम बशारत था। अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये आप नीचे का नज़ारा कर सकते हैं कितना प्यारा, और ये हमारा रास्ता है, इधर से हमने ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर कोयले की भी बहुत ज़्यादा खाने हैं, आगे आएंगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर वाटरफॉल भी हैं सिक्की लेक के नाम से, सिक्की एक गांव है उस नाम से है, और एक और भी है लेकिन वो ज़्यादातर सुना है जून जुलाई में ना मानसून का जो मौसम होता है उसमें वाटरफॉल जो उनसे चलते हैं, पानी उनमें होता है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हम आए थे तो वो बिल्कुल खुशक थे। तो देखेंगे अगर वहाँ जा सके और किसी से पूछेंगे भी, अगर खुशक ना हुए तो वो भी आपको दिखाएंगे।